नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल ने शनिवार को संकेत दिया है कि आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना महामारी के बाद हालात अब बेहतर हो रहे हैं और हम सभी भारत में ही इसका आयोजन चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम भारत में आईपीएल कराने पर काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यह संभव होगा। इस समय बैकअप के बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम सभी भारत में ही इसका आयोजन चाहते हैं। आईपीएल के संचालन परिषद के सदस्य धूमल ने कहा, इस समय भारत यूएई से अधिक सुरक्षित है, उम्मीद है हालत स्थिर रहेंगे और सुधरते जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम खिलाड़ियों के टीकाकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। सरकारी निर्देशों के अनुसार मोर्चे पर काम कर रहे लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को पहले टीके लगेंगे। हम सरकार से संपर्क में हैं ताकि खिलाड़ियों को भी टीके लग सकें। यूएई में 19 सितंबर को आईपीएल शुरू होने के समय एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के औसत 777 मामले थे, जो बढ़कर 3,743 हो गए हैं। वहीं भारत में अधिक आबादी और क्षेत्रफल के बावजूद एक दिन में 15,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं, जो सितंबर में 90,000 प्रतिदिन थे। बता दें, कोरोना महामारी की वजह से आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में हुआ था। जिस तरीके से बीसीसीआई के अधिकारी बता रहे हैं कि भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा, अब देखना है क्या पूरे भारत के स्टेडियम में आईपीएल का आयोजन होगा या फिर किसी निर्धारित राज्य में ही इनका आयोजन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि भारत में आईपीएल होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।